तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम ऑफ मेथड। उसका आप एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, टू टेंसाइल फोर्सेस 50 किलो न्यूटन एंड 40 किलो न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट विथ एंगल ऑफ 60 बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर क्या दिया है, पी दिया है 50 किलो न्यूटन और क्यू दिया है, इसे पी कहेंगे, इसे क्यू कहेंगे। तो क्यू इक्वल टू 40 किलो न्यूटन और एंगल दिया है थीटा। थीटा है पी और क्यू के बीच का एंगल, वो है 60। वो 60 हमें दिया है। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और यहाँ पर हमको P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है और थीटा की वैल्यू को 60 दी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 50 ऑफ स्क्वायर प्लस 40 ऑफ स्क्वायर प्लस 250 40 cos 60। अब ये हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा रिजल्टेंट 78.10 किलो न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन में आंसर आएगा, क्योंकि हमने ये पी और क्यू की वैल्यू किलो न्यूटन में ही ली थी। तो ये हमारा हो गया फाइंड आर, ये हमने आर फाइंड कर दिया है। अब हमें ये यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो अब उनको अल्फा फाइंड करना होगा। अब अल्फा का फॉर्मूला है टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और हमको थीटा की वैल्यू पता है और क्यू की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है। तो हम टेन अल्फा इक्वल टू, हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू इक्वल 40 किलो न्यूटन है साइन 60 अपॉन पी क्या है, पी दिया है 50 किलो न्यूटन प्लस 40 कॉस 60। अब कुछ नहीं करना, हमको वैल्यू रखनी है और आंसर मिलेगा हमको टेन अल्फा इक्वल टू 0.495। ये हमको टेन अल्फा की वैल्यू मिली। अब अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.495। तो हम वैल्यू रखते हैं 0.495। तो हमको आंसर मिलेगा अल्फा इक्वल टू 26.31 डिग्री। ये हमारा अल्फा फाइंड हो गया। एंगल ऑफ, ये हमको कहाँ का मिला, एंगल ऑफ आर विथ पी। ये मैं फिगर ड्रॉ करना भूल गया था, ये अब ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर पी दिया है 40 किलो 50 किलो न्यूटन। ये दोनों टेंसाइल फोर्स है, बाहर निकलेंगे। पी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन और क्यू इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। और हमको यहाँ का रिजल्टेंट फाइंड करना था। दोनों के बीच का एंगल हमको कितना दिया है, 60 दिया है। तो ये दोनों का एंगल था 60 है और इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम बना देंगे। ये हमारी फिगर होगी, ये 60। और हमको अल्फा कितना मिला, अल्फा 26.31 डिग्री। तो ये अल्फा, ये पी के साथ बनाया है अल्फा 26.31 डिग्री। ये 60 पूरा होगा पी और क्यू के बीच का एंगल, क्यू इक्वल टू 40 पी इक्वल टू। और हमको फाइंड करना होगा, अगर पूछा हो क्यू के साथ कितना एंगल बनता है, तो वो हमको फाइंड करने के लिए, मान लो कि हम इसको बीटा कहते हैं, रिजल्टर के साथ क्यू का एंगल बीटा कहते हैं। तो बीटा इक्वल टू 60 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया है 60, तो 60 माइनस ये अल्फा करेंगे तो हमको बीटा मिल जाएगा। तो 60 माइनस 26.31 डिग्री। तो 60
माइनस आंसर 33.66 डिग्री हमको बीटा मिलेगा। और ये हमने आज एक सिंपल सा एग्जांपल किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था P इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, Q इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, एंगल दोनों के बीच का दिया है 60। अब यहाँ पे देखते हैं, ये फिगर हमने बना ली। P टेंसाइल फोर्स बाहर की तरफ होगा 50 किलो न्यूटन, और क्यू भी टेंसाइल है, दोनों टेंसाइल है, इसके लिए क्यू भी 40 किलो न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल दिया है 60, जो 60 हमने रख दिया है। अब रिजल्ट का फॉर्मूला है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। अब हमने अंदर वैल्यू रख दी और वो आंसर मिला हमको आर इक्वल टू 78.10 किलो न्यूटन। अब टेन अल्फा फाइंड करना था, तो टेन अल्फा की फॉर्मूला क्या थी, क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और क्यू की वैल्यू की सब वैल्यू थी हमारे पास, तो टेन अल्फा इक्वल टू ये हमको मिला 0.495। अब अल्फा इक्वल टू 10 को इस साइड ले जाना पड़ेगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.495 मीन्स अल्फा इक्वल टू 26.31 डिग्री हमको मिला। अब हमको ये बीटा फाइंड करना था, रिजल्टेंट के साथ क्यू का एंगल फाइंड करना था, तो बीटा, तो ये पूरा एंगल 60 का है। तो हमें एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये 60 का ये क्यू, ये बी, और ये रिजल्टेंट है, ये पैरेललोग्राम बना दिया। ये 50 किलो न्यूटन, ये क्यू इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, और ये अल्फा हमको मिला, अल्फा मिला 26.31 डिग्री, और ये हमको क्यू फाइंड करना पूरा था 60 डिग्री था, और हमको क्यू के साथ एंगल बनाना था, वो मिल गया 33.66 डिग्री। तो ये हमारा था पैरेललोग्राम का पहला सम। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी लगी हो या कुछ और आपको सम सीखने हैं, तो कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे ऐसे ऐसे ही एग्जांपल दिखते रहेंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।